बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट एज में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट और नया फीचर दिया गया है वो है नोट्स। यह दुनिया का सबसे पहला ब्राउजर है जिसमें नोट्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि आप आसानी से जब आप पेज सर्फिंग कर रहे होते हैं तो उसको प्रयोग कर सकते हैं। आप इसमें आप अपने नोट्स को आसानी से बना सकते हैं, जैसे किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना, किसी टेक्स्ट को कॉपी करना, कुछ मार्क करना इत्यादि। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी नोट्स आप यदि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन हैं तो दूसरे डिवाइसेस पे भी एक्सेस कर सकते हैं या शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए इस सेशन में हम इन सभी चीज़ों की जानकारी लेते हैं। यदि आप अपनी मनपसंद वेबसाइट्स पे कुछ मार्क करके रखना चाहते हैं, कुछ नोट्स बना कर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वेब नोट बटन पे क्लिक करना है। आपके पास एक बार अवेलेबल हो जाएगी, जैसे कि इस वेबसाइट पे मैं कुछ जानकारियाँ जो है वो अपने पास नोट्स के रूप में रखना चाहता हूँ। यदि आप यहाँ देखें तो एक टूल बार अवेलेबल हो गई है। इस टूल बार का प्रयोग करके मैं आसानी से वेब नोट क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि सबसे पहला जो बटन है वो पेन के रूप में है। मैं पेन का प्रयोग करते हुए किसी भी चीज़ को मार्क कर सकता हूँ यहाँ पे, ये देखें। उसके अलावा मैं यहाँ पेन का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। नीचे की तरफ क्लिक करें, दूसरा कलर लें और वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी। इसी तरह से आप चाहें तो यहाँ पे हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसके लिए हाईलाइट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं उस लाइन पे आप ड्रैग कर दें। आप देखेंगे कि ये जो लाइन है आपकी हाईलाइट हो गई है। जैसे कि यहाँ मैं कुछ हाईलाइट कर लेता हूँ, तो आसानी से आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। आप चाहें तो कलर चेंज करके भी हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। यदि आप चाहें तो पहले से मार्क किए किसी नोट को आप साफ भी कर सकते हैं, अर्थात इरेज भी कर सकते हैं आप यहाँ से। इसके लिए केवल आपको ये इरेजर पिक करना है। तो जो भी मार्किंग आपने की है अगर उसको साफ करना है तो सिर्फ क्लिक कर दें उस पर, ये देखें। आप सिर्फ इस पर क्लिक करते चले जाएं तो इस तरह से आप आसानी से इसको साफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप नोट भी अटैच कर सकते हैं टाइप नोट के रूप में, जैसे कि क्लिक करके मैं यहां एक टाइप नोट कर देता हूं। आप देखेंगे कि एक नोट अटैच हो गया है। आप कभी भी इस नोट को हटा सकते हैं, आपको सिर्फ ये डिलीट का बटन प्रेस करना है, ये नोट यहां से हट जाएगा। हालांकि मैं एक नोट और फिक्स कर देता हूं यहां पे। इस प्रकार आसानी से मैं नोट्स को अटैच कर सकता हूं रिटर्न में भी। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्लिप का है। क्लिप एक नया ऑप्शन दिया गया है जिससे आप आसानी से कॉपी कर सकते हैं जो भी आप कॉपी करना चाहते हैं वेब पेज से। जैसे मैं क्लिक कर लेता हूं क्लिप पे और इस रीजन को मैं कॉपी कर लेता हूं। देखिए आपके पास ये कॉपी हो गया है, परंतु इसको कहीं लाने या ले जाने के लिए आपको पेस्ट करना है। तो मैं एक सॉफ्टवेयर खोल लेता हूं दूसरा, वर्डपैड पे क्लिक कर देता हूं और यहां आके मैं पेस्ट कर देता हूं। आप देखेंगे कि आसानी से आप उस इमेज को यहां पे ले आए हैं बिना किसी एक्स्ट्रा टूल का प्रयोग किए हुए। तो इस प्रकार आप इस क्लिप का प्रयोग करके आसानी से कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहां से वापस आ जाता हूं। इसके अलावा जो भी आपने यहां पे वेब नोट्स अटैच किए हैं, इसमें जैसे मैंने मार्किंग की है या एक टेक्स्ट नोट अटैच किया है, मैं इसको सेव करके शेयर भी कर सकता हूं। मुझे केवल इसे सेव करना है। सेव करते समय मेरे पास यहाँ तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं। वन नोट, यदि मैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का प्रयोग कर रहा हूँ तो मैं इसको आसानी से वन नोट की सहायता से शेयर कर सकता हूँ। बस मुझे सेंड पे क्लिक करना है। फेवरेट्स में इसको ऐड कर सकता हूँ वेब नोट्स को, और रीडिंग लिस्ट में इसको मैं ऐड कर सकता हूँ। मैं इसको रीडिंग लिस्ट में ऐड कर देता हूँ और यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। दोबारा यदि मुझे इसी वेबसाइट का नोट्स प्रीव्यू देखना है तो मुझे यहां हब पे क्लिक करना है। यहां पे मेरे पास रीडिंग लिस्ट का दूसरा बटन है। हालांकि बाकी बटनों की जानकारी अभी हम लेंगे, लेकिन इस दूसरे बटन से आप कभी भी क्लिक करके इस नोट्स
पेज वाले प्रीव्यू की जानकारी ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप नोट्स के टूल्स की सहायता से आसानी से कुछ भी ऑनलाइन आप मार्क कर सकते हैं, उसमें नोट्स लिख सकते हैं और उसको हाईलाइट कर सकते हैं, बाद में सेव कर सकते हैं और कभी भी किसी से शेयर कर सकते हैं। आपका इसमें शेयर करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन हो। अब यहाँ पे मैं विंडोज़ जो है मैं इसमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन हूँ, परंतु इसके साथ साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट एज की सिंक सेटिंग्स को भी ऑन करना होता है। तो आइए हम ये जानकारी भी ले लेते हैं कि किस प्रकार हम सिंक सेटिंग्स को ऑन कर सकते हैं, ताकि यदि मैं इस ब्राउज़र को किसी दूसरे डिवाइस पर खोलूँ तो आसानी से मुझे नोट्स वहाँ भी मिल जाएं। इसके लिए आप स्टार्ट पर जाएं, सेटिंग्स पर जाएं, यहाँ पे आपके पास अकाउंट सेक्शन है, क्लिक करें। नीचे की तरफ सबसे लास्ट ऑप्शन है लेफ्ट साइड पे अकाउंट्स में सिंक योर सेटिंग्स। यहाँ यदि आप देखें तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। सिंक सेटिंग्स को यहाँ से आपको ऑन करना है। यदि ऑफ रहेंगी तो फिर आपके पास आप अपनी इन्फॉर्मेशन को बाकी डिवाइसेस पे शेयर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ मैं सिंक सेटिंग्स को ऑन कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मैं सेटिंग्स को क्लोज कर देता हूँ।